सर, आपने यहाँ पर दरमियानी उम्र की ख्वातीन की बात की, जिसमें हमने मुख्तलिफ रिश्तों को भी डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये जहन में आता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के सिंबल्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, अलामत क्या है। तो इसमें देखिए, हम ब्रेस्ट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइज में, तो अगर दोनों ब्रेस्ट के साइज में फर्क आ रहा है, ब्रेस्ट में कोई गिल्टी की महसूस कर रही है, ब्रेस्ट में दर्द महसूस कर रही है, ब्रेस्ट का निपल उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ बगल में समटाइम्स आप गिल्टी महसूस करती हैं, आपके निपल के इर्द गिर्द कोई ऐसा जख्म बन जाता है जो ठीक नहीं हो पाता, या ब्रेस्ट में ऐसा जख्म बन गया जो अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो आपको यकीनन शुबे में आना चाहिए और इसका मुआयना करवाना चाहिए। और इसका सबसे आसान जो मैं आपको हल बताता हूँ, हमारी बच्चियां बेटियां बहुएं घर में बैठ के भी, ये जरूरी नहीं आना, जैसे इसे हम जो दुनिया में जो सबसे पहला कदम उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एंड इट इज सो इजी। आप अगर हमारी बच्चियां नहा रही हैं तो नहाते हुए शीशे के आगे खड़े होके आप दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर कर सकती हैं, और जो अलामात मैंने आपको बताई हैं इनको खुद असेस कर सकती हैं, और अगर वो उस वक्त कोई इसमें ऐसी तब्दीली महसूस करती हैं साइज में, शेप में, कलर में, निपल में, निपल के साइज में, एरियोला के साइज में, बगल में, तो उसको फौरन क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दैट इज CBE, उसकी तरफ आना चाहिए।